सो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपके पास में मोटो एज 50 फ्यूजन फोन, दोस्तों इस फोन में आप अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं दोस्तों कैसे लगाएंगे, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं। इसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल की सेटिंग पे सिंपली इस तरह से क्लिक कर देना है। सेटिंग ओपन हो जाने के बाद में आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में दोस्तों यहां पर देखेंगे लिखा हुआ है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहां पर देखेंगे लिखा हुआ डिवाइस अनलॉक, इस पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों यहां पर देखेंगे लिखा हुआ फिंगरप्रिंट, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको अपना यहां पर एक स्क्रीन लॉक बना रख लेना है। हमने पहले से बना रखा है, वही हम स्क्रीन लॉक यहां पे इस तरह से डाल देंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको यहां सेटअप पे इस तरह से क्लिक कर देना है। इसके बाद में ओके पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे अपना इस तरह से फिंगर लगाना है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर अपना फिंगर धीरे धीरे से स्कैन करा लेना है। इस तरह से दोस्तों आपको अपना फिंगर स्कैन करा लेना है। इसके बाद में डन पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आ जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम अपने पावर बटन को दबाएंगे। अब दोस्तों जैसे ही अपना यहाँ पर हम फिंगर लगाते हैं, ये दोस्तों हमारा फोन अनलॉक हो जाता है।